नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम राज्य सरकार के हाल ही में हुए पारित आदेश के जरिए कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने, चिकित्सीय देखभाल एवं दवाइयों आदि की व्यवस्था में आ रही समस्या के निवारण को लेकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। जिला भिलवाड़ा हेतु 3 सदस्यों की निगरानी कमेटी के महेंद्र कुमार दवे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिलवाड़ा सुरेंद्र चंद्र श्रीमाली, सह अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सदस्य बार काउंसिल ऑफ राजस्थान तथा विक्रम सिंह राठौड़ अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ भिलवाड़ा सदस्य ने बुधवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उनके साथ पीएमओ अरुण गौड़ भी मौजूद रहे। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत और अनुराग दादीज की ये रिपोर्ट। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर ने एक जनहित याचिका में यह आदेश दिया कि हर जिले पर जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाए, जिसके अंदर बार के अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और हम तीनों की एक निगरानी समिति बनाई गई है। और इस निगरानी समिति का मुख्य कार्य जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करना और चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन और मरीज के बीच में एक पुल का कार्य करने का है। आज इस जिला स्तरीय समिति ने इस अस्पताल का निरीक्षण किया, पीएमओ साहब ने भी पूरी सारी व्यवस्थाएं बताई, यहाँ की सफाई व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था सभी संतोषप्रद पाई गई। नहीं, ये निरीक्षण नियमित अंतराल से जारी रहेगा। इसके अलावा हम इनसे रेगुलर रिपोर्ट्स मंगाते रहेंगे और हम हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट स्टेट कमेटी को भेजेंगे, जहाँ से यह रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश होगी। ये पूरे जिले के लिए कमेटी बनी है, सभी हॉस्पिटल जो भी जिले में हैं, पीएससी, सीएससी और यहाँ जो भी हॉस्पिटल है प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनके लिए कमेटी बनी है और ये एक ब्रिज का काम करेगी। और अगर कि हमने हेल्पलाइन जारी कर रखी है, उस हेल्पलाइन पर जो भी समस्या आएगी उसको हम पीएमओ साहब और कलेक्टर साहब को प्रेषित करेंगे, प्रशासन को प्रेषित करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत भी आती है तो उसको भी देख के और उसकी जांच, प्राइमा फेसी जांच करके, और स्टेट कमेटी बनी हुई है जिसमें एडवोकेट जनरल, बार काउंसिल के चेयरमैन और सभी हैं, वहाँ भेजेंगे और वो फॉर्टनाइटली रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट को करेंगे। ये कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी इसलिए है कि अभी कोविड महामारी में बहुत भयंकर हालत खराब चल रही है और ऑक्सीजन की कमी आ रही है, दवाइयों की कमी आ रही है, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसके लिए कालाबाजारी चल रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है। तो उसके लिए आप सभी प्रयास कर रहे हैं, पीएमओ साहब ने आज सब बातें बताई है। तो ये भी बताया कि उस मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रेमडेसिविर की, लेकिन पैनिक हो रहे हैं लोग बाग, तो उनको भी समझाया जा रहा है कि दूसरी मेडिसिन उसमें कारगर है। और ऑक्सीजन का खास है कि हमारा मुख्य ध्येय यह है कि ऑक्सीजन के बिना कोई आदमी मरे नहीं, ऑक्सीजन हर एक को प्रोवाइड होनी चाहिए और उसके लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है और कमेटी की हेल्पलाइन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो कमेटी बनाई गई, जिसमें हम यहाँ पर आए और यहाँ पीएमओ साहब के मार्गदर्शन में निरीक्षण किया, निरीक्षण में भोजन व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था ये संतोषप्रद है। और सभी कई पेशेंट से भी हमने बात की तो वो भी डॉक्टर से पूरी तरह संतुष्ट हैं, उनके अटेंडेंट हैं वो भी पूरी तरह जागरूक और संतुष्ट हैं। पीएमओ साहब से जो बात हुई तो उसमें बेड की समस्या बताई गई, तो पीएमओ साहब उस पर बेड बढ़ाने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी हमें बेड भी मिलेंगे और अन्य सुविधाएँ भी मिलेगी। राज्य सरकार भी चिंतित है और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आमजन को राहत मिल सके, कहीं कोई चिकित्सा अभाव न रहे, इस उद्देश्य को लेके ये बनाई गई। और हम सभी आपके फ्रंटलाइन वर्कर के साथ में मिलके और इसको सहयोग कर रहे हैं। आप भी आम जनता पर ये संदेश भेजें कि रेमडेसिविर पर पैनिक न करें, डॉक्टर के सजेशन पर ही रेमडेसिविर लगाएं। रेमडेसिविर एक अच्छी मेडिसिन है लेकिन इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बगैर डॉक्टर के मेडिसिन सजेस्ट किए उसको ब्लैक में लाना और उसको आके सजेस्ट करना डॉक्टर को कि आप लगाएं, ये अनुचित है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पे आज एक कमेटी ने हमारे
कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का, ऑक्सीजन सप्लाई का, रेमडेसिविर के डिस्ट्रीब्यूशन का, हेल्प डेस्क का, जो बढ़ाए जाने वाले बेड हैं किस तरह से बढ़ेंगे, हमारे यहाँ से मरीज कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑडियो सिस्टम, हर मरीज़ से यहाँ से बात की जा सकती है या नहीं कर सकती है, खाना किस तरह से मिल रहा है, पानी की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट्स भी देखे हैं इन्होंने, गर्भवती महिलाओं से भी चर्चा की है, और हमें इनके आने से संबल मिला है। हमने इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड कर लिया है। जब माननीय हाईकोर्ट चिंतित है, सरकार चाहती है, न्यायाधीश चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी चाहती है, मीडिया चाहता है, डॉक्टर्स चाहते हैं, और जब सब लोग मिलके काम करेंगे और जितनी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही हम आम आदमी को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। भीलवाड़ा में पहले भी हमने प्रयास किया है अच्छी सुविधाएं देने का, और इस संकट के दौर में भी हम लगातार प्रयास करेंगे कि पब्लिक में जितनी जानें बचाई जा सकें, स्टीरॉयड और एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन लो मोलिकुलर वेट जो ज़िंदगी बचाने में आवश्यक है बहुत मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। ज़िंदगी रेमडेसिविर से नहीं बचती है, ज़िंदगी जिन इंजेक्शन से बचती है वो हमारे पास बहुत है। पब्लिक इंतजार कर रही है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, सरकार प्रयासरत है, सेंट्रल से सप्लाई बढ़ रही है, हमारे कलेक्टर महोदय ने आसपास के ज़िलों से, किशनगढ़ से, सब जगह से मिला के ऑक्सीजन की आज तक की पूर्ति को बनाए रखा है। कोविड का लोड कम करना हमारी जिम्मेदारी है। लोग बाग लॉकडाउन या जन आंदोलन किसी भी तरह से या सेल्फ माने घरों से बाहर निकलना बंद करें। माइल्डली जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो घर से नहीं निकलें, जिनको आवश्यकता है वही निकलें। अगर आप फील्ड में कंट्रोल नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल्स में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, लड़ाई फील्ड में ही लड़नी पड़ेगी, और यहाँ जो भी आएगा पेशेंट उसको ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जाए। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।